बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस LMS वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बैच स्टूडेंट पर मोड से रिलेटेड सीखेंगे। बैच स्टूडेंट पर मोड करने के लिए आप अपने LMS अकाउंट से लॉगिन करेंगे। देन अंडर द एकेडमिक्स टैब आपने बैच स्टूडेंट पर मोड की फील्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ इस विंडो में डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए उनकी बैच स्टूडेंट पर मोड फ्रॉम टू टू सेमेस्टर के अंदर आपको यहाँ पे डाटा सेट जो है वो अवेलेबल होगा, जो प्रीवियसली आप परफॉर्म कर चुके होंगे। इन केस अगर आपके पास ये स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, इट मींस कि आप इसको फर्स्ट टाइम इनिशिएट करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। देन आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके कैंपस का नेम आ रहा होगा। देन आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और प्रोग्राम ऑफर के अंदर आपने वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसके स्टूडेंट को आपने प्रमोट करना है नेक्स्ट सेमेस्टर में। मैं यहाँ पे BS इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 2017 फॉल मॉर्निंग का प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन मुझे फ्रॉम सेमेस्टर बताना है जिस सेमेस्टर से मैंने उनको प्रमोट करना है। तो मुझे फॉल 2019 के सेमेस्टर से स्टूडेंट्स को स्प्रिंग 2020 के सेमेस्टर में प्रमोट करना है। देन मैं यहाँ पे सिंपल लोड स्टूडेंट्स के बटन पे क्लिक करूँगा। मेरे पास सारे स्टूडेंट्स जो इस बैच के इनटेक में रजिस्टर थे वो सब आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, और वो सब स्टूडेंट्स जिनको आपने ड्रॉप कर दिया होगा, जो स्टूडेंट ड्रॉप हो रहे होंगे इस प्रोग्राम ऑफर में से, वो यहाँ पे आपको शो नहीं होंगे। देन अगर आप किसी स्टूडेंट को रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करके उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट आप रिमूव करेंगे वो आपको इस स्टूडेंट रिमूव फ्रॉम लिस्ट के टैब में शो होंगे। तो यहाँ पे मैंने सब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं सिंपल सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन अभी मेरी स्टेट जो है वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। मुझे इस प्रमोट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को ड्राफ्ट से प्रमोट में ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, स्टूडेंट को प्रमोट करने से पहले आपने कैंपस रिपोर्ट्स में जाके यहाँ से एग्जाम रिजल्ट पे क्लिक करना है, और एग्जाम रिजल्ट से आपने उस प्रोग्राम ऑफर के लिए रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। इस रिपोर्ट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्रॉप हो चुके हैं। देन आपने ये ट्यूरी जनरेट करनी है बैच स्टूडेंट प्रमोट की, सो डैट आप कंफर्मेशन कर सकें कि वो सब स्टूडेंट जो आपके इस नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर रजिस्टर होने हैं क्लास प्लानिंग में, वो सब यहाँ पे ऐड है। देन आप इस प्रमोट के बटन पर क्लिक कर देंगे, स्टूडेंट जो हैं वो फ्रॉम सेमेस्टर से टू सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे। थैंक यू।